हवी यू कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ एब्सोल्यूटली एवरी थिंग इज़ फाइन लेकिन आज जब मैं आ रहा था तो वेदर ठीक नहीं था और वेदर कुछ इतना ठीक नहीं था कि मुझे लगा कि शायद मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा बिकॉज इट रोज फॉगी और फिर एक मकाम पे आके हमारा जो हमारी जो गाड़ी थी वो एक एक पुल पे आके एक ब्रिज पे आके हॉल्ट हो गई और वो कहीं मूव नहीं कर रही थी बड़ी मुश्किल से आई जस्ट आई जस्ट बेरली मेड इट आई जस्ट बेरली मेड इट आपको कुछ मनाजर दिखाता हूँ आज की सुबह से जो हुए हैं और uh, मैंने आई थिंक तीन चार वीडियोज़ भेजी हैं जरा दिखाइएगा दिखाइएगा थोड़ा सा थोड़ा सा दिखाइए ताकि पता तो चल सके कि हम लोग किस किस तरह से आते हैं एंड ये सुबह का वक्त है ये सुबह का वक्त है, है। यहाँ पर एक साहब ना क्रॉस करेंगे मोटर बाइक से रेड लाइट है मोटर बाइक से क्रॉस करेंगे यहीं रोक दें इसको रोक दें इसको यहीं रोक दें इसी रखिएगा इसी इसी को लूप पर रखिएगा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक्सीडेंट्स होते देखें कल भी देखा है आज भी देखा है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खुदा का वास्ता इतनी जल्दी मत किया करें दिस इज़ रिडिकुलस देखें आप देखेंगे कि रेड लाइट है हम सब खड़े हुए हैं फॉग में सबको जल्दी यार हमें तो पहुँचना था यहाँ पे सब कुछ जल्दी है बट प्लीज़ आप इस तरह से वो मोटरसाइकिल ऐसे करके निकलाएँ और वो आने वालों की ट्रैफिक थी वो इधर से जो लोग ऐसे आ रहे हैं और यूँ टर्न करें वो उनकी उनकी रोड थी उनका राइट था और ये इस तरह से निकला खुदा ना करे अगर उस कोई गाड़ी होती है दिखाई गई जरा रोल करें फुटेज को इसको जरा रोल करें आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ ये देखिएगा आप ये नहीं नहीं पूरी पूरी रोल करें ना ये देखें इस गा, ये गाड़ी निकली है इनका राइट ऑफ वे था वहाँ पर सिग्नल रेड है और अभी देखिएगा ये आदमी जो है ये चला गया तो और स्पेशली मोटरसाइकिल सवारों से कह रहा हूँ प्लीज़ खुदा का वास्ता जल्दी मत करें इट्स बैड इट्स बैड इट्स बैड प्लीज़ अब अप, आपकी अपनी जान भी जाती है दूसरों को भी खतरा होता है अच्छा जरा दिखाइएगा दूसरी दूसरी फुटेज दिखाइए दूसरी फुटेज दिखाइए दिस इज जस्ट दिस इज नॉट राइट अब दूसरी फुटेज दिखाइए वो आई थिंक पुल की या ब्रिज की फुटेज है नहीं ये वाली नहीं है ब्रिज वाली फुटेज है नहीं मिल रही हमें बता दें मुझे अगर मिल रही है या नहीं मिल रही है ये तो वही वाली फुटेज लग रही है हाँ ये वाली ये वाली फुटेज है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी फॉग है और ये फॉग इतनी शदीद है कि इसके अंदर चलाना बहुत ही मुश्किल है अगैन यू नो दिस इज़ लाहौर और कराची शायद इतनी फॉग से नहीं और ये देखिए मैं ब्रिज पे आया हूँ और यहाँ हॉल्टेड है हम ये कम्प्लीटली हॉल्टेड है नीचे की जितनी ट्रैफिक है आपको शायद धुंध की वजह से नज़र भी ना आए मैंने कोशिश की है देखने की लेकिन जितने की भी जितनी भी वो और वहाँ पर कुछ भी नहीं था दे वॉज नथिंग कोई ऐसी गलती नहीं थी अलमदुल्ला कोई एक्सीडेंट नहीं था हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था बिकॉज दिल बहुत डरता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो गया कोई एक्सीडेंट नहीं था हम बस गलत चलाने के आदि हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक जो था वो जाम था और वहीं पर अलहमदिल्ला हमारे जो वार्डन्स थे वो खड़े हुए थे और वो ट्रैफिक को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे थे इतने बहुत सारे ट्रैफिक में एक वार्डन था अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे आ, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था दिस इज दिस इज वो द रियलिटी इज़ और उसमें बेचारे वार्डन का कोई कसूर नहीं है हमारे अपने दिमाग का ये जहनी फतूर है कि हमको इतनी निकलने की जल्दी होती है कि पूरा ट्रैफिक हम होल्ट कर देते हैं तो ये ये वो फुटेज है जो मैं आप लोगों के लिए सुबह सुबह रखी है आज मुझे लग रहा था कि शायद शो नहीं हो पाएगा अगर आप इसकी वॉइस ओवर चलाएं तो मैं आपको बताऊं मुझे यही लग रहा था कि शायद नहीं और ये देखें ये जीरो जीरो विजिबिलिटी है लिटर जीरो तो नहीं है, टेन, फीट की है, ऐसा लगता था कि आप धुएं के अंदर हो रहे हैं ब्रिज के से। चलो है। ये। या। अच्छा दूसरे वाले ये उसकी दूसरे वाले उसकी वीडियो चलाएं दूसरे वाले उसकी दूसरे वाले उसकी वीडियो चलाएं ये वाली तो है ही है इसकी वीडियो मेरे ख्याल है और सब ने ब्ल्क जोन किए हुए हैं दट uh, ये ट्रैफिक जो है ये जाम होना शुरू हुई है आई होप एवरी थिंग इज ओके हैर सब चीज़ ठीक ही हो लेकिन ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गई है आई एम ड्रेन के कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो uh, नीचे भी लुक नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी ट्रैफिक जाम है शदीद जाम है ट्रैफिक या कोई जलसा ना हो लेकिन आप ये वेदर देख सकते हैं कैसा है दिस इज़ हाई आई एम होपिंग कि मैं शो पर पहुँच जाऊँ अगर ये वीडियो शो में चल रही है तो फिर मैं शो पे पहुंच गया हूँ और अगर नहीं तो कभी तो चले और right, जी थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया ये मेरा अपडेट था मेरा ट्रैफिक अपडेट था आपको हर सुबह मिल जाता है ये मेरा ट्रैफिक अपडेट था लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और वो जो बंदा काट के गया ना वो वाली वीडियो ज़रा वायरल कीजिए आप लोग मतलब आप लोग तो कर देते हो ना ये जो बंदा भी है वो प्लीज़ वायरल करें और इसलिए नहीं कि मैं उस उस शख़्स को कोई तनकीद करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा का वास्ता अपनी जानों की आप हिफाजत करो दिस इज़ वेरी बैड अभी आप देखिएगा दूसरी तरफ से गाड़ी आएगी ये उसका राइट ऑफ वे है हम लोग रेड पर खड़े हुए हैं रेड पर खड़े हुए हैं ये देखें गाड़ी गई है ये बिल्कुल ठीक गई है और अब देखिएगा एक मोटरसाइकिल सवार जाएंगे ये देखिए आई आई डोंट अंडरस्टैंड आई डोंट अंडरस्टैंड खुदा का वास्ता जब लग जाती है या गिर जाते हैं हो जाते हैं तो इसके बाद आप गलत है बहुत गलत है आइए जी पाकिस्तान इज़ प्लेइंग क्रिकेट अंडर 19 इज अंडरवे वे पाकिस्तान इज़ प्लेइंग टुमारो अगेंस्ट अफगानिस्तान इससे पहले जो पाकिस्तान अंडर uh, 19 एशिया कप के अंदर खेला था उसमें तिरासी रन से पाकिस्तान जीता था कल साउथ अफ्रीका इज़ प्लेइंग वेस्ट इंडीज़ तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है सारी जो हमारी uh, सात बेग इज़ आई थिंक पाकिस्तान के कैप्टन है और हमारी सारी जो दिल है वो पाकिस्तान के सा, हमारा सारा दिल जो है पाकिस्तान के साथ है सारी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ लगी हुई हैं कि हम ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है अंडर 19 का ये ज़रूर जीतेंगे और इसमें एक बड़ी खुशाइन बात है कि अमेरिका इज़ प्लेइंग अगेंस्ट आयरलैंड तो आई बी रूटिंग फॉर टू टीम्स पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली नंबर वन इज़ पाकिस्तान लेकिन चूंकि अमेरिका में मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका की टीम के लिए डेफिनेटली है uh, तो पाकिस्तान जो है वो इज़ प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ नो अफगानिस्तान अच्छा मैच होगा बहुत अच्छा मैच होगा मुझे लगता है कि मज़ा आएगा ये क्रिकेट का जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप है इसके अंदर बहुत मज़ा आने वाला है पाकिस्तान को नए प्लेयर्स मिलने वाले हैं होपफुली 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 अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी बुड लक टीम पाकिस्तान बहुत 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 बहुत, बहुत, बहुत आप लोगों को बेस्ट विशेज हैं एंड बेस्ट ऑफ रिगार्ड्स एंड लव एंड प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू ब्रिंग द कप होम इंशाला इन शह इन शाह जी एक और चीज़ बहुत अच्छी है जो अच्छा मैं इसमें बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते या नहीं सुनते लेकिन मैं चूंकि हॉकी खेला हूँ इसलिए मुझे हॉकी में बहुत दिलचस्पी है पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो आई थिंक चाइना के साथ बराबर किया है या किसके साथ बराबर किया है मलेशिया के साथ तीन तीन से मुकाबला पाकिस्तान ने बराबर कर दिया और पाकिस्तानी गोल कीपर ने बहुत सारे गोल रोके हैं तो मुझे लगता है अब्दुल्ला इश्तियाक उनका नाम है उन्होंने बेहतरीन खेल पेश किया पेनाटी स्ट्रोक से लेकर बहुत सारे गोल्स बचाए हैं तो पाकिस्तान हैज़ क्वालिफाइड फॉर द सेमी इन द क्वालिफायर्स फॉर द पेरस ओलंपिक्स तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जीते फाइनल जीते और पाकिस्तान बहुत अरसे के बाद क्योंकि देखें हम ओलंपिक्स के लिए कॉलीफाई नहीं कर सके थे बहुत अरसे के बाद हम ओलंपिक्स के अंदर अगर ये एक चांस है कि हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर ले माई हार्ट गोज आउट टू पाकिस्तान हॉकी टीम मैं लेफ्ट आउट खेला करता था और अजीब सी पोजीशनिंग होती थी मेरी मैं लेफ्ट विंग से जाता था और सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन अज्यूम uh, करता था और मेरा लेफ्ट एंड जो था वो लेफ्ट uh, आउट हो जाया करता था और सेंटर फॉरवर्ड जो है वो लेफ्ट एंड की पोजीशन पे आया करता था ये हमारी एक स्ट्रेटजी हुआ करती थी जब मैं हॉकी खेला करता था आप कभी वसीम भाई से पूछेगा वसीम फिरोज से उनके साथ मैंने खेला ही नोज एग्जैक्टली तो एंड आई यूज़ टू यू नो स्कोर अलॉट मुझे मुझे पता है मैं डैश किया करता था uh, मैं फ्लिक्स के जरिए कर दिया करता था कनेक्ट किया करता था और स्कोरिंग uh, पावर जो थी वो मेरी बहुत ज़्यादा थी तो जब भी मैं हॉकी को देखता हूँ माई हार्ट गोज़ आउट टू पाकिस्तान हॉकी अच्छा जी uh, तीन सेकंड गरम कॉफ़ी पीने का मुझे ये नहीं पता ये तो हम भी खोलती हुई गरम कॉफ़ी पीने का रिकॉर्ड कायम किया है uh, और आंद्रे uh, ओल uh, के नाम था 2021 में उन्होंने अपने नाम किया था किसी ने लेकिन अब इन्होंने तीन सेकंड में खोलती हुई कॉफ़ी पी है तीन सेकंड के अंदर वो लोकर दस लोकर दस दिस इज़ सॉट ऑफ क्रेजी काइंड ऑफ क्रेजी बट पीपल कैन डू दिस लुक दैट ऑल गॉन ऑल गॉन दिस इज न्यू गेनेस्ट रैकड मैं तुम्हें करूंगा तुम 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 तु पी के दिखा सकते हो तो ये चलो तुम्हें दो एक मिनट देता हूँ एक मिनट के अंदर पी लो नहीं अच्छा वर्ल्ड रैकर्ड नाव इट्स अमेजिंग अच्छा जी गो ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज ये बड़ी मजे की न्यूज है जो अगली न्यूज है ये बड़ी कमाल है कहते हैं कि जब चोरी करो ना तो चोरी करने से पहले स्केप सोच लो उसने स्केप नहीं सोची ये बेचारा मोबाइल फोन लेने चुराने आया था इसको लोगों ने पकड़ लिया पाकिस्तान इंडिया के लोग कमाल लोग हैं अब ये लटकता हुआ जा रहा है सोच रहा है मोबाइल अपनी जान से महंगा तो नहीं हो सकता कैन यू पॉसिबली इमेजिन आप लटके हुए हैं और लोगों ने आपको पकड़ा हुआ है अब आई होप कि उसकी जान बचाने के लिए उसको पकड़ा हो उसको सज़ा देने के लिए नहीं पकड़ा हो लेकिन जब गाड़ी रुकी है तो आई थिंक कुछ लोगों ने आकर उसको ले गए उसको कहीं ले गए बट कहा यह जा रहा है कि ये चोर जो है ये मोबाइल चुराने के लिए इस तरह से लटक रहा था और यू नो दिस इज दिस इज दिस इज़ बैड लुक लुक या तो उसे बचाने के लिए आए हैं या मुझे मालूम नहीं है खबर तो यही बता रहे हैं अब मुझे पता नहीं क्योंकि जाहिर है उसे और ये बना वीडियो कौन रहा है आई थिंक पीछे से कोई बना रहा है वीडियो आई 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 डोंट नो कि क्या हुआ है लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है इफ आई सी इट आई थिंक उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और उसको उतार लिया गया है और उसके बाद उसको लेके जा रहे हैं आई डोंट नो ये मोबाइल चुराने आया था ही नहीं आया था बिकॉज आई आई डोंट नो मुझे जो लिख के दिया गया मैंने वो कहा है लेकिन मेरा टेक इस पर कुछ और है आई हैव नो आइडिया आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया एक और वीडियो हमारे सामने है मैं उस पर डिस्कशन तो नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी बहरअल को दिखा दीजिए एक पुलिस वाले का रवैया है जो बड़ा स्ट्रेंज है बहुत अजीब है वो इस बच्चे को मार रहा है इस आदमी को मार रहा है आम शोर उसने कोई ना कोई गलती ज़रूर की होगी लेकिन ये रवैया ये कहीं से भी प्रमेसिबल नहीं है ये कहीं से भी पुलिस का फ़र्ज़ होता है आपकी मदद आपकी गाइडेंस वो बैक कर रहा है ये उसे गालियाँ दे रहा है मुझे नहीं पता कि क्या जुर्म था कितना बड़ा जुर्म था आई हैव नो आइडिया क्योंकि हम सब स्पेकुलेट ही कर रहे हैं अच्छा फिर और दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आता इसमें से एक साहब ने पीछे से उसको आइडिया दिया है कि तुम इसके पाँव पकड़ लो ये क्या आई एम सॉरी ये क्या बात ये क्या बकवास बात है कि आप पाँव पकड़ लो किसी इंसान के पाँव आप क्यों पकड़वा रहे हैं देखिए जुर्म करना एक और बात है आपने जुर्म किया है ठीक है आपने किया होगा कहीं कही ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई होगी लेकिन जिस तरह से बेदर्दी से उसको वो मार रहा है और उसको कह रहा मैं तुम्हें तो के इससे मारूंगा अगर आप पुलिस वाले हैं तो ये आपको राइट नहीं आप अगर वो मजामत करे तो आप उसे मारें ना खामा खा के अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन आप उस पर ना निकालें खामा खामे क्यों निकाल रहे हैं उसने आपको कुछ नहीं कहा है वो आपको माफिया मांग रहा है अल्लाह ताला के वास्ते दे रहा है आप उसे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू इट सारे लोग जो वो बैठ के उसको सुन रहे हैं आई मीन बट आई डोंट अंडरस्टैंड इज देखिए जुर्म किया है वहां मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है आप ज़रूर उसको अप्रीहेंड करें जरूर पकड़ें जरूर कानून के मुताबिक सज़ा दें लेकिन अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग पुलिस को ज़रूरत है ज़्यादा ट्रेनिंग की पुलिस को जरूरत है और सबसे बड़ी बात यह जब उसने ये कह दिया कि पाँव पकड़ो और वो बैठा हुआ है उसके पकड़ रहा, अभी देखिएगा यह दुनिया की सबसे को इसका नोटिस लेना चाहिए इंसानों के पाओ पकड़ेंगे इंसानों के, के मुझे करना चाहिए वो एक सजदा जिसे तू समझता है और वो कौन आदमी है जो दूसरों के पांव पकड़वा रहा है इनको दिस इज बैड दिस इज रॉन्ग this this should not be there I'm sorry but this is ये बहुत अपॉलिंग है मतलब बहुत ज्यादा है ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने वेरी बैड वेरी 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 बैड एग्जाम्पल I hope and pray के आई जी पुलिस जो है वह इसका नोटिस लें और न सिर्फ नोटिस लें बल्कि इनको बुलाएं देखिए मैं ये नहीं कहता कि इनकी नौकरी चली जाए बट इनको प्रॉपर ट्रेनिंग पे भेजिए प्रॉपर ट्रेनिंग पे और ये नहीं हो सकता कि आप इंसानों के कदमों को छू रहें और यह बाकी लोग इससे क्या तासर ले रहे हैं बाकी बच्चे जो वहां मौजूद हैं मतलब आई डोंट नो आई एम श्योर कि उसने जुर्म किया होगा दैट आई डोंट क्वेश्चन किसी वजह से वो उनसे पूछ रहे हैं हो सकता है कुछ ऐसा किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह से उसको उसको ट्रीट करना उसको पनिश देना और फिर उसके बाद बादशाहों की तरह से एक जगह बैठ जाना और लोग उसको मशवरा दे रहे हैं एक साहब की आवाज़ आ रही है कदमा छूले, क... कि कदमा छू ले वाई वाए वेरी रॉन्ग ब्रेक लेते हैं जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ब्रेक के बाद ऑस्ट्रिया चलेंगे और ऑस्ट्रिया में गुला हुसैन हमारा इंतजार कर रहे होंगे टू यू बट राइट नाउ लिस्ट ब्रेक लेट्स लेट्स टॉक लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रिया लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रिया हम कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम हुसैन से हमारा रबता हो जाए लेकिन गुलाम भाई से अभी रब्ता नहीं हुआ है लेकिन फुटेज जब मैंने देखी है इसकी तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है अच्छा मैं एंड में बिल्कुल आपको बताऊंगा कि आप अगर जाना चाहते हैं ऑस्ट्रिया या माइग्रेट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं कंट्री बहुत अच्छा है मुल्क बहुत अच्छा है और और ये तो वेदर जो है इसका वो तो इट्स टू डाई फॉर इट्स जस्ट ब्यूटिफुल पता नहीं क्यों मुझे एक ना इंडियन गाना याद आ रहा है क्या मौसम है स्ट्राइक आ जाएगी हम इसको यूट्यूब पर चला नहीं सकते लेकिन इस ऐसी ड्राइव हो और वो गाना पीछे लगा हो तो बहुत हसीन लगता था और इस गाने से रिलेटेड एक बहुत बड़ी दास्तान है जो मोहम्मद रफी साहब के लिए है। बहुत बड़ी दास्तान है वो मौसी कहते हैं आई थिंक राजेश साहब रोशन साहब की मौसी थी तो वो कहते हैं कि जब हमने कहा रफी साहब को कि इस गाने के दरम्यान में एक आपने गाना गाना है आ, और वो था ये मस्तियाँ ये बहार इस तरह का उनको बीच में एक लगाना था तो कहते हैं कि जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गा दूंगा तो इस रिकॉर्डिंग के लिए 10-12 दिन गुजर गए और 10-12 दिन के बाद हमने कहा कि हमें तो याद भी नहीं है कि रफ़ी साहब मतलब हमने रफ़ी साहब को कहा था कल रिकॉर्डिंग है तो गाना तो लेके गया और रफ़ी साहब का पार्ट करना तो रफ़ी साहब आए उन्होंने आके पहला टेक दिया और पहले टेक के बाद जब जाने लगे तो मैंने कहा कि रफ़ी साहब से कि रफी साहब हम दोबारा इसको तो रफ़ी साहब ने कहा नहीं नहीं बस ठीक है और कहते हैं वो उन्होंने पहली बार इतना परफेक्ट गाया है ये वन टेक का गाना है जो रफी साहब ने इसे कंप्लीट किया था जो रफी साहब वाला पार्ट है किशोर कुमार साहब थे इसमें लता जी थी लेकिन गाना बहुत खूबसूरत है बात करें तो ऑस्ट्रिया की लुक एट ऑस्ट्रिया अच्छा ऑस्ट्रिया के अंदर आप भी मूव हो सकते हैं आप जा सकते हैं इस मुल्क अगर आपके पास वन हंड्रेड थाउजेंड यूरो हों एक यूरो आई थिंक तीन सौ तीन सौ रुपये के बराबर है तो आपके पास करीबन तीन करोड़ रुपए होने चाहिए वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंसी आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाती है आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं लेकिन किस तरह से अप्लाई करेंगे आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए एक ऐसा प्लान होना चाहिए जहाँ आप ये बोलें कि ठीक है जी हम ये इतना पैसा आपके बैंक में रख रहे हैं यहाँ पर मैं ये बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ आपकी इकोनॉमी को हम इस तरह से अच्छा इसमें आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है यू कैन डू इट योर आप ख़ुद कर सकते हैं लोग बड़े अच्छे हैं कल मैंने जाके ना ऑस्ट्रिया के बारे में थोड़ी सी और रिसर्च की कि ऑस्ट्रिया किन चीज़ों के लिए बड़ा मशहूर है क्या चीज़ें आप उधर कर सकते हैं फार्मिंग बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप यहाँ किसान हैं और आपके पास आ, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑस्ट्रिया जाएँ तो आप आप किसान बहुत अच्छा खेती आप वहाँ बहुत अच्छी कर सकते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं बहुत अच्छी करते हैं आज़ादी है मजहबी आज़ादी है वहाँ पर क्रिश्चन से लेकर ज्यू से लेकर सिख से लेकर हिंदू से लेकर मुस्लिम से लेकर बहाई से लेकर ये तमाम फेथ के लोग जो हैं आबाद हैं हारमनी हैं इजाज़त नहीं है किसी को किसी के भी मज़हब के अंदर मुदाखलत की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है राइट्स आपके बिल्कुल सेम हैं ऑस्ट्रिया उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ इलीगल और लीगल के राइट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो अगर आप इलीगल हैं तब भी आपके उतने ही राइट्स हैं लीगल हैं तब भी आपके उतने ही राइट्स हैं हॉस्पिटल्स में टॉप नॉच टॉप नॉच मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं अच्छा वो क्यों एम्फोसिस करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ पर अगर आप पाँच साल वहाँ रहें तो वैसे भी आपको अच्छा दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इनको वीजा भी वीज़े की भी जरूरत नहीं है वो जाके ऑस्ट्रिया में रह सकते हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है लेकिन आपको वहाँ एक तो अपना बिजनेस प्लान देना होता है पाँच साल के लिए आपको बिज़नेस रन करना पड़ता है उसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखनी पड़ती है पाँच साल के लिए बिकॉज़ वो ये कहते हैं उनका उनका मानना ये है और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक हेल्दी ऑस्ट्रियन जो होगा वो हेल्दी इन्वायरमेंट को जन्म देगा और वो जब काम पे जाएगा तो वो दस और लोगों को तरगीब देगा कि हाँ जी हमने काम शुरू करना हमने सबने मिल के आ, चीज़ों को बेहतर बनाना है तो आई थिंक कमाल है अच्छा जब आप आर्किटेक्चर पे चले जाते हैं तो जस्ट ब्यूटीफुल हाउसेस आर फाइन नाइस बहुत खूबसूरत हैं Uh, बहुत बड़े घर नहीं हैं लेकिन बहुत कंफर्टेबल घर रहे हैं कोजी लिविंग के लोग बड़ी आदि हैं फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है ऑस्ट्रिया का और लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जी अगर आप मगरबी किसी मुल्क में जाके सेटल होते हैं तो वहाँ फैमिली सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता ऑस्ट्रिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है सॉर्ट uh, ऑफ sort of काइंड kind ऑफ of बड़े ऑर्थोडॉक्स ख़्यात के लोग जो हैं कदीम ख़्यालत के लोग जो हैं वो ऑस्ट्रिया के अंदर मिलते हैं और उसके अगर आउटस्कर्ट्स के अंदर आप चले जाएँ शहरों के वियना के आउटस्कर्ट्स में चले जाएँ तो आपको ऐसी चीज़ें बड़ी प्रेबलम मिलेंगी तो ऑस्ट्रिया इज़ वन कंट्री दैट इज़ वेरी रिच इन कल्चर और आप वहाँ जाके uh, काम भी कर सकते हैं लेकिन उसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी उसकी वो आज़ादी है जो शख्सी आज़ादी है जहाँ आपको बोलने पे कहने पे रहने पे कोई कदगन नहीं है और दूसरी बात जिस तेज़ी से जिस रैपिडली जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है प्लस आप ऑस्ट्रिया जाएँ पढ़ें अपनी डिग्री हासिल करें देखिए अक्सर पाकिस्तानी चाइना जाते हैं यूके जाते हैं यूएस जाते हैं ऑस्ट्रिया को अपने जहन में रखें यूरोप का एक बेहतरीन मुल्क है यहाँ जाके पढ़ाई करें आ, काम करें पाकिस्तान लौट के आएँ टेक्नोलॉजी को लेके कर आएँ पैसे को लेके कर आएँ और हर तरह से पाकिस्तान को भी प्रॉस्परस बनाएँ तो देखिए अब तो दुनिया बहुत एक ग्लोबल विलेज की हैसियत इख्तियार कर गई है अब तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है कि आप अगर ऑस्ट्रिया में रहते हैं तो आप पाकिस्तान नहीं आ सकते या पाकिस्तान है तो ऑस्ट्रिया नहीं जा सकते लेकिन जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप अपने मुल्क से बाहर ट्रैवल करें चंद सालों के लिए और आप वहाँ रहें तो लौट के अपने मुल्क जरूर आए बिकॉज यू नो पाकिस्तान नीड्स यू पाकिस्तान रियली नीड्स यू एंड आई एम रियली 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 श्योर एट द एंड ऑफ द डे हम प्रॉस्प्रेस जरूर होंगे थोड़ी सी टेंशन हैं लेकिन बेगा एंड वन डे लोग हमारा मुल्क दिखा के भी कह रहे होंगे कि लेट्स मूव टू पाकिस्तान फॉर अ फ्यू ईयर्स लेट्स लर्न समथिंग एंड लेट्स कम बैक एंड लेट्स मेक श्योर कि हमारा अपना मुल्क बेहतर हो जाए ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आज जन्नातों का टॉपिक है कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़ा हुआ जहाँ आपको लगा कि आपने किसी माफूकुल फितर चीज़ को देखा है आज बड़े मज़े का शो है देखिएगा ब्रेक के बाद वाले right, जी सामक मनसिकैन वेलकम बैक और आज का शो बहुत पसंदीदा है बिकॉज अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी शेयर करूँ तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो जिसपे यकीन नहीं आता माफोकफित चीज़ें हुई हैं अच्छा जन्नात का वजूद बरहक है ज़ाहिर है वो कहता है वो रबालमीन है आलमों का रब है उन्होंने मखलूक़ात को पैदा किया है तो जब वह मखलूक़ात की बात करता है तो सिर्फ उसमें जिनोवेंस नहीं आते और बहुत सारी और जिन डमेंशनस के अब साइंस या फिज़िक्स दरियाफ्त कर रही है डिमेंशनस को उसका जिक्र तो पहले ही आ चुका है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं और कभी कभी वो अपने आप को जाहिर कर देती हैं क्या कभी आपके साथ ये होता है लेकिन अक्सर और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ अक्सर हम जो बात करते हैं वो हमारे सहारे होते हैं कभी कभी हमारे जिन जो हैं वो हमारी नाउमीदी के उम्मीद के सहारे होते हैं कभी जो हम फितर चीज़ों की बातें करते हैं ले आओ ले आओ ऐसी ले आओ ऐसी ले आओ तुम देर हो जाती है तुम लोगों को ले आओ कोई मसला नहीं आ जाओ तो आइए बात करते हैं आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो थैंक यू बेटा थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया चाय भी ले आइएगा इनके लिए और डॉक्टर साहब के लिए भी लिया थैंक यू बेटा. बेटा मेरी भी ले जाए थैंक यू बेटा थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल राइट सो नॉर्मल शो है आप घर में बैठ के देख रहे हैं दिस इज हाउ इट इज तो आएँ जरा काम करें थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको आइए आइए काम करें बिस्मिल्लाह करें उठाए कोई बात नहीं बस हो गया हो गया थोड़ा सा पीछे करें थोड़ा सा पीछे करें हाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी ऑल राइट तो अब हम जो बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़ा हुआ है जहां आपको लगता है कि आपको हमसे कॉल करके शेयर करना चाहिए यू नो लेट्स से के आपके साथ आपके घर में कोई ऐसा वाक़ा हुआ है कभी आपको लगता है कि आपकी नौकरी नहीं है और किसी ने आप पे जादू कर दिया है या कोई ऐसा शरीर जिन है जो आपको मतलब एक तो हमारे यहाँ जिन भी फारग हैं सॉरी मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ रियली रियली सॉरी अजीब से चरपाइयाँ हिलाने लगता है मतलब मेरे पास आ गया है मेरे सीने पे बैठ गया है क्यों बैठ गया भाई तेरे पास कोई और जगह नहीं थी बैठने की कहीं और बैठ जाता मेरे आधे सर में दर्द कर दिया पूरे में कर देता क्या क्या मुजायका था लेकिन तो बात लेकिन क्या ये तो चीज़ें साइकियाट्री भी डील करती है लेकिन क्या ये चीज़ें हक़ नहीं हैं ये वाकई चीज़ें हक़ हैं लेकिन क्या हमें जो नज़र आता है वो वाकई वही होता है या महज हमारा ख्याल होता है हमारे साथ यहाँ मौजूद है हैं नबी शहजाद साहब नबी साहब कैसे हैं आप बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ और कराची से डी एस एन जी में हमारे साथ हैं मुफ्ती राना साजिद महमूद साहब असल मुफ्ती साहब आप कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम वाले जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया नवीद आपसे शुरू से शुरू करता हूँ असल में जिन है क्या जिन या मफूक फितरत चीज़ें हैं क्या जी बिसमान फर्स्ट ऑफ ऑल तो साहिर भाई मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ऐसे मौजुआत को लेकर आते हैं कि जो इस वक्त हमारे माशरे में जिनके हवाले से अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है हम अपने साइकोलॉजिकल मसलों को भी जिन से जी मैं 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 उस पर भी बात करूंगा क्योंकि डेफ़िनेटली मुझे डेढ़ साल हो गया है कि मैं साउथ एशिया के सबसे बड़े मेंटल इलनेस इंस्टीट्यूट के जो रिसर्च टीम है उसका हेड एज हेड वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ फाउंटेन हाउस में तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुरान पाक में हमें जो जिन्नों की तख्लीक़ के मुतालिक बताया गया है वो ये है अल्लाह फरमाता है वमा खलक्तुल जिन्ना वल रही इल्ला वालबून यानी अल्लाह फरमाता है कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया तो इस आयत से पहला तो हमें अपना यह कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि जिन्नात हमें डराने के लिए पैदा नहीं हुए जिन्नात की तखलीक इसलिए नहीं हुई कि वो इंसानों के ऊपर बगैर किसी वजह के हावी हो जाए या, या उनके अंदर आ जाए अभी एक एक मैं कॉल लेकिन उससे पहले जिन खाते क्या है कभी लोग कहते हैं हड्डियाँ खाते हैं कभी कहते हैं मिठाई की दुकान पर आके मिठाई खा जाते हैं मतलब इनकी क्या खुराक क्या है हाँ, एक टेलीफोन कॉल जी। है पहले वो ले लें सलामकुम जी मॉडल कॉलोनी कराची से जी रियाज भाई कैसे है आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला ती तरह आप लोगों तो को खुश और रखे रखे आबाद बहुत शुक्रिया भाई बात बात यह है कि ये हकीकत है मैं अपने अपने साथ का बताता हूँ कि मैं सोया हुआ था और मुझे ऐसे लगा जिस तरीके से तो बिल्कुल मेरे चेहरे पे कोई चीज है तो मैंने जैसे ही देखा तो मैंने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहा तो चीज़ गाइड हो गई मैं अपने घर की फीलिंग बताता हूँ कि मुझे यूं लग रहा था कि कोई यूं गया ये हकीकत है कि जिन हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो कभी इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना आ, कोई हमें कोई तकलीफ दी और अब मैं ये मुफ्ती साहब भी इसको आ, बिल्कुल आ, मेरी बात को मानेंगे या इसको अगर गलत है तो कहेंगे कि अगर आप पाक और साफ रहेंगे और वजू के साथ रहें या वैसे भी पाक रहें और जगहों को साफ रखें जो मखसूस जगहें होती हैं हर जगह गंदगी ना करें तो कभी भी ये मखलूक आपको तकलीफ नहीं देगी और दूसरा ये कि अक्सर मैंने मुफ्ती साहब ये देखा है लेडीज में कि वो कहती है जी जिन आ गया इसके बारे में जरा सा आप डिटेल देंगे क्योंकि अक्सर औरतें जो है मैं जाये मैंने देखा है मैंने कई औरतों को देखा है कि ड्रॉइमें करती हैं ज्यादातर और मैं लेके भी आया आए आमिलों को या मुफ्ती साहिबान को तो उन्होंने मुझे क्लियर कहा कि जी ये जो है अपने घर में जो है अपना क्या कहेंगे उस बातों के अपना रोग या अपना के जी मैं भी हूँ तो वो झूठ का भी सहारा लेती है तो इस बारे में भी जरा मुफ्ती साहब बताइएगा बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा मैं पहले एक बात कह लू अब आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें कमी देखेंगे मैंने आपसे पहले एक जिक्र किया था रियाज भाई कि ये हमारी नाउमीदी के सहारे हैं <laughs> हमारी जो साइकी है उसका इलाज है देखिए इस आज से हम ये तो मानते हैं ना कि हमने خواتین से कम्युनिकेशन के दरवाजे अक्सर बंद रखे थे अब जब से खुलना शुरू हुए हैं ना तो आप इस पूरे हालात के अंदर बड़ी कमी देखेंगे आप आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा आज से 20 साल के बाद ये चीज नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब जरूर पूछूंगा जिन्होंने पूछा है ब्रेक के बाद All right, gee, once again, welcome back and let's uh, Let's talk. Let's talk. Uh, Manzoor sahib sahib. is here. ठीक है सवाल किया था रियाज भाई ने जरा बता दीजिए दी, रियाज भाई ने भी एक सवाल किया था और एक आपने किया था कि जिन्नात की खुराक क्या है एक ये और एक ये सवाल था कि खबातों में तो मेरा सवाल नहीं सूरत जिन में ना छः मुख्तलिफ़ मरा पर रसूल मक्रम सल्ला वसम से जन््त की मुलाकात का वाक़ बयान किया गया है okay. ओके तो हज़रत अब्दुल्ल्या इबन मसूद कहते हैं कि एक मरतबा रसूल मकर्रम सला वसम के पास जन्नत आए तो हम जंगल में मौजूद थे हजूर पाक सल्ला वसल्म के पास तो आकलम ने फरमाया कि जरूह आया है यह जन्नात का है और ये मुझसे अपनी खुराक मांग रहा है कि आप अपनी रहमत से चूँकि आप तमाम देखी जाने वाली और गैर मरई तमाम मखलूक के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं तो हमें भी कुछ दीजिए तो आपने फ़रमाया कि ये जो जंगलात में हड्डियाँ पड़ी होती हैं ना ये तुम्हारी खुराक है फिर हजूर आसमाम ने सब कराम की तरफ मुखातब होकर फरमाया कि तुम्हारी नज़र में ये जो हड्डियाँ नज़र आती हैं जब ये इससे उठाएँगे तो अल्लाह ताली अपने फ़ज़ल से इन्हें दोबारा गोश्त पोश्त दे देगा और ये उनकी खुराक बन जाएगी तो ये जन्ना जिन्नात की खुराक के हवाले से अब वो सवाल जो हमें कॉलर ने पूछा है कि खातिन हमें ये कहती हैं कि मेरे अंदर जिन आ गया है तो ये याद रखिएगा कि जिन कभी भी किसी इंसान के अंदर दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि जिन की जो तख्लीक और स्ट्रक्चर है वो उसकी रूह उसी के स्ट्रक्चर के अंदर ही दाखिल हो सकती है और इंसान के जिसम में सिर्फ उस... कहते हैं मेरे अंदर जिन है गलत वो मैं बताता हूँ वो बताता हूँ इंसान की रूह में इंसान के जिसम में सिर्फ इंसान की रूह हो सकती है शैतान की या जिन की रूह उसके अंदर नहीं दाखिल हो सकती यहा, रुकिए मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाता हूँ बिल्कुल रुक जाइए मुफ्ती साहब डू यू थिंक आप क्या कहते हैं अस्सलाम बस्मीम्स वरहमल वर्क सबसे पहले आ, मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि इस आ, अजीम प्रोग्राम के अंदर मदन मदनाचिस से मदू किया और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हमारे बहुत ही प्यारी भाई अभी ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि जन्त जो हैं वो इंसान के जिसम के अंदर गर्दिश नहीं कर सकते लेकिन अगर हम हादिस मुबारक देखें तो हमें इससे ये बात पता चलती है कि जन्त जो है वो इंसान के जिसम के अंदर उसके खून के साथ दौड़ते हैं सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जन्त हैं क्या तो जन्ात दरअसल ये शयातीन हैं अच्छा मुफ्ती साहब शयातीन में जाहिर सी बात है मुफ्ती साहब मुझे एक एक कॉल का इशारा है मैं कॉल ले लूं शायद आपके लिए सवाल है एक एक एक, एक छोटा सा कॉल कौ, है कॉल करूं ये अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ले वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम मैं खालिद महमूद अर्ज कर रहा था सैन को से जी जी मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि आप जो ट्रैफिक के उस पर आपने बताया था तो थोड़ा सा अगर इसमें एक ये चीज़ ऐड कर लें कि ये जितने कवानी बनते हैं वो लोगों की अपनी हिफाजत के लिए होते हैं अगर ये चीज़ जो तो है ये लोगों को जहनों में ये डाली जाए कि भाई ये आपके अपने फ़ायदे के लिए आपकी अपनी हिफाजत के लिए तो ये मेरे सामने एक एडेड जो तो है वो बात होगी लोगों को समझने के लिए कवानी से आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मैं हूँ साहब थैंक यू सॉरी आपकी आपके आपने सैन फ्रांसिस्को से कॉल की है अगर आप कर सकते हैं तो उनको होल्ड करवा लीजिए बिकॉज यू एस ने कॉल किया थैंक यू सो वेरी मच सबसे पहले तो शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड सैन फ्रांसिस्को इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज बहुत आना जाना वहाँ रहा है थैंक यू सो वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी बात बिल्कुल बजाय कि आई थिंक ये हमारी uh, फलाह के लिए हमारी बेहतरी के लिए बनते हैं एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक Right, uh, 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 देखें uh, uh, अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात करते हैं किसी भी हमारा जो मज़हब है उसके हवाले से, हवाले से हवाले से बात करें तो ऑफ कोर्स इंसानों के साथ जिन भी इस दुनिया की मखलूक हैं या अल्लाह ताला की क्रिएशंस में से एक क्रिएशन है लेकिन आ, अगर मैं मेडिकल साइंस के हवाले से बात करूं और जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे आ, एक कॉल भी आपके पास आई कि लोगों पे मुख्त तरह से जिन का आना और वो जो सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं या पेशेंट्स हम तो उन्हें पेशेंट्स ही कहते हैं कि वो क्लेम करते हैं कि हमारे ऊपर कोई जिन आया हुआ है या उनकी आवाज़ बदल गई है या उनकी हरकत बदल गई हैं तो असल में एक डिसऑर्डर है जिसे हम पोजेसन डिसऑर्डर भी कहते हैं या ट्रांसपोजेशन डिसऑर्डर कहते हैं समटाइम हम उसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं अच्छा इसमें होता क्या है इसमें बेसिकली होता यह है कि वक्ती तौर पे टैम्प्रेरली जो शख्स है जिसके ऊपर एक कैफियत आती है वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और जो उसकी सराउंडिंग्स होती हैं उससे वो अनअवेयर हो जाता है okay. और उसमें वो ये महसूस करने की कोशिश करता है कि मैं कोई और शख्सियत हूँ Hmm. आ, और आमतौर पे इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट है क्योंकि ये कल्चरली भी डिफरेंट होता है और कल्चरली भी इसके लिए काफ़ी रिसर्च में भी इसके अंदर जो है ना वो पाई जाती है कि हम इसको किस तरह से इसके जो कंडीशन हैं उसको हम देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक जिम जो पाकिस्तान में किसी के ऊपर आता है वो और तरह से रिएक्ट कर रहा होता है उसकी लैंग्वेज और होती है उसकी बिहेवियर और होता है उसकी डिमांड्स और होती हैं उसकी नीड्स और होती हैं इसी तरह से जो अगर यू एस ए या यू के में बैठे हुए किसी शख्स पर आता है तो वो डिफरेंट है ज़्यादातर जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये रिपोर्ट ज़्यादा होता है एशियन कंट्रीज़ जो हैं अच्छा इसमें भी डिफरेंट मज़हब के साथ उन चीज़ों को अटैच किया जाता है जो डिफरेंट मज़हब के लोग होते हैं वो उस तरह से रिएक्ट करते हैं तो सम हाउ ये एक डिसऑर्डर है जो कि बाकी डिसऑर्डर से अलग है मतलब हम इसे बिहेवियल डिसऑर्डर कहते हैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ आप जो बात कर रहे थे ज़रा उसी को कंटिन्यू कीजिए प्लीज़ जी बिल्कुल आ, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि देखें जिन्नात की एक अपनी अलग दुनिया है इसे भी अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त ने पैदा फरमाया है अगर हम जिन्नात के मामल को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा इस्लाम का मुताला करना पड़ेगा इंसानी तारीख का मुताला करना पड़ेगा इंसान की पैदाइश से दो हज़ार साल पहले इस दुनिया के अंदर जन्ात की आबादी थी अल्लाह रबुलाज़्ज़त उनके अमाल और अफ़ाल से नाराज़ हुआ तो अल्लाह रबुज़त ने उनको छोड़कर एक दूसरी मखलूक़ को आबाद फरमा दिया जिसे हज़रत इंसान कहते हैं और इसी हज़रत इंसान के मतलब रब ने शाद फरमाया कि इंसान, तुम्हें हमने सबसे अच्छी तख्लीक अ फरमाई है और जिन्नात को अल्लाह रबुज़त ने बेपनाह ताकत ववत अता फरमाई है लेकिन इंसान की ताकत वव्वत को जन्नत के ऊपर हावी फरमाया है अब ये जो प्रोग्राम के अंदर गुफ्तू हुई जन्नत इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं और जन्त इंसान के अंदर आ जाते हैं और वो फिर तरह तरह की हरकतें इंसान से जो है सरजद होती हैं रूनमा होती हैं तो इसमें मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये सरासर इंसान की एक तो ये कि साइंस के, के लिहाज से अगर देखा जाए तो डॉक्टर हसरा ज़्यादा बेहतर बताएँगे डॉक्टर साहबा भी मौजूद हैं यहाँ ये मुदाफ़त की कमी है नंबर एक नंबर दो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये ए, उसके ईमान की कमज़ोरी कहलाती है और सबसे बढ़कर हमारे कॉलर जो थे उन्होंने कॉल पे जो एक आ, कहा कि ये हमारे अंदर पाकी और नापाकिया ख़्याल न ना रखने की बुनियादी वजह है अगर हम इन तमाम चीज़ों की रहनमाई शरीयत से लें दीन इस्लाम से लें तो हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह इज़्ज़त ने जिन्नात और इंसान के दरमियान एक पर्दा रखा है और उनकी एक हदबंदी कर दी है इंसान की एक हद बंदी है लेकिन इंसान को ताकत और कुवत ज्यादा ज्यादाता फरमाई है अगर कोई जिन इंसान को तंग करता है शरारत करता है नुकसान पहुंचाता है तो रब ने इसका अपने हबीब सल भी बयान फरमाया है कि किस तरीके अच्छा से उनसे बचना है हम हल पे आएंगे कॉल में लेता हूँ लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मार्च से बड़ा कोई जिन नहीं है याद रखिएगा Uh, इस फ़िक्र की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्प्ट हो जाती हैं uh, इसी तरह से अब आई आई डोंट नो वाई लेकिन अप्रिसिएशन और अप्रूवल्स की वजह से भी बहुत सारे वो लोग जिनके पास पैसा है वो भी इस किस्म की हरकतें करते हैं वो भी हिस्टेरिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं उसका बहुत बहुत सारे और रीजंस होते हैं देखिए जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना चीज़ें आसान नहीं होंगी किसी के लिए भी चाहे एक शख्स जो ख़त गुरबत से नीचे रह रहा है उसके लिए भी आसान नहीं होंगी और वो शख्स जिसके पास थोड़ा सा माल ज़्यादा है उस पर उसके लिए भी आसान नहीं होंगी ये जो मसला है जन्नात का ये कोई पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है और बल्कि इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं वूडू यानी जादू जो है वो इससे एसोसिएटेड है और दुनिया में ऐसे बेतहाशा मुल्क हैं जहाँ पर इसको ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है जो शायद जिसको बयान करने से मैं भी कासिर हूँ फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ कि अल्बेनिया के अल्बेनियंस जो होते हैं अल्बाइनोज होते हैं जिनको सूरजमुखी जिन पे जल्द पे आ जाती है इंतहास ज़्यादा वाइट हो जाते हैं अफ्रीका का एक मुल्क है तंजानिया, जहाँ खुदा ना करे खुदा ना करे अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे बदकस्मत समझा जाता है और ये कहा जाता है कि आप अगर अपने बिज़नेस को फ़रो देना चाहते हैं कम फोग़ देना चाहते हैं तो फिर हम एक उंगली या एक हाथ काट के फिर आपको वो दे देंगे और उस पर अमल करेंगे ज़्यादा फ़रग़ देना चाहते हैं तो एक टांग निकाल देंगे फिर उसके और अगर बहुत ज़्यादा फ़रग़ देना चाहते हैं तो हम शायद मार के आपके बिज़नेस को फ़रोग देंगे तो इस किस्म की बकवास जो है इस किस्म की रिडिकलसनेस जो है ये भी पूरी दुनिया के अंदर प्रिवेल करती है और ख़ासकर अफ्रीका के अंदर इसे वूडू का नाम दिया जाता है और ये प्रिवेल करती है और दूसरी बात बता दूं इस वक्त तंजानियन गवर्नमेंट जो है वो इसके खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है लेकिन अभी तक उनको पूरे तौर पे कामयाबी हासिल नहीं हुई है चोरी छुप के ये जो है, ये होते हैं एक टेलीफोन कॉल है, से यू, जी, uh, morning, आया, कैसे है आप uh, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहमानों को सलाम करना चाहूंगा साहिब एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है ना आप यू कंपेयर आपका हम सिर्फ पाकिस्तान से चीजों को अटैच कर देते हैं दुनिया भर में चीजें होती हैं बहुत सारे यूरोप में एक जमाने में बहुत ही था एक तो ये बहुत अच्छी बात है मेरा जब, जब मैं एक दो बातें आपसे करना चाहूंगा क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई को एक इंटेफ्लाइटिस हो गया जो पैरालाइस हो गया साढ़े तीन साल तक ठीक है उस दौरान एक हजार लोग आए जबकि मैं कि इस पीछे इतना बीव नहीं करता यकीन जिन जरूर होंगे मैं इसमें इंकार नहीं हूं धायरे खुराने का है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जिनों के नाम पे जो खिलवाड़ होता है ना लोगों के साथ दैट इज वेरी डेंजरस यानी एक साहब आए उन्होंने कहा कि मेरे पास मौकल है और मैं मेरे भाई न्याउन में हस्पिन में, में दाखिल था मेरे जिल जाएंगे और मेरे वहां तक इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और फिर बताएंगे उन्होंने पैसे वैसे जो भी अमल के सूत्र से लिए जो भी लिए वो आए उन्होंने बताया फिर उनके बाद डॉक्टर साहब ने मैंने मैंने मुझे भाई हंसी भी आई वो उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा जी इस इसके पलन को असर हो गया और टाइम लगेगा दौक्टर, दौक्टर दौक्टर ये प्रोसीजर होगा फाला हो गया जबकि डॉक्टर मेरे डॉक्टर थे डॉक्टर बशीर सुंदर साहब उन्होंने कहा यार ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सके मेयर ऑन डेड हो चुके हैं इसके अलावा एक साथ गए वो ए, एक और जगह गए तो उन्होंने चाकू से कुछ पड़ के नीचे रख दिया तकिए के और पता चला वो भी काफी पैसे लेके भाग गए इस तरह चीजें हुई एक और एक इसलिए आपको समझने की बात बता रहा हूँ साहिर की एक जगह एक लॉट तो ये लियारी के इलाके में एक था दिल निकालते थे तो उन्होंने वो क्या बेवकूफ़ बनाते थे वो इस्तेमाल से हमारे दोस्त के दोस्त थे उन्होंने बताया एक खातून आई उनके जिन का उन्होंने कहा जिन है और जिन निकाला उन्होंने इस तरह के एक पानी एक उसके करीब फेंका और एक उसको बोला आप आंखें बंद करना उसमें एक, एक केमिकल लग गई जिससे पानी में आग लग जाती है उन्होंने पानी में केमिकल डाला और आग लग गई और जैसी आग फड़की वो औरत घबरा गई उन्होंने कहा तुम्हारा जिन हमने जला दिया और हजारों रुपए उससे ले लिए एक तो ये चीज दूसरी चीज है कि जब हम अपने ईमान कितना हमें मजबूत होना चाहिए ना कि अल्लाह की तरफ से भी कुछ चीजें होती हैं बीमारी दुख अल्लाह की तरफ से होती है तो हम आप अकाइद से मेरा समान माना चाहते हैं कि हम अकाइफ से अपने हट जाते हैं बुनियादी अकाइस से और डॉक्टर साहब जो बैठी थी इनसे मेरा एक सवाल है कि देखिए डिप्रिशिएट कैसे होगा कि एक आदमी क्या एक आदमी क्लेम करता है कि स्पीचिले और जबकि उसके पास डिसऑर्डर है उसके पास कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो इसको डिप्रिशिएट कैसे किया जा सकता सके बहुत 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 शुक्रिया यार पहली बात तो ये मैं डॉक्टर साहब साहब की तरफ जाऊंगा इनकी आपकी तरफ भी आऊंगा आपकी तरफ भी आऊंगा पहली बात तो ये डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है ही नहीं जिन्नात इतने फ़ारग़ नहीं हैं कि मतलब वो उठा के आपकी चरपाइयाँ हिलाने पर लग जाएँ कोई काम नहीं है क्या उनको मतलब जेन्यनली बता रहा हूँ ये 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 कौन सी फरागत का काम है कि वो आपके पीछे आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से चलने लगें आपके कंधे पर हाथ रखें मतलब और फिर एक और बात बड़ी अजीब सी कि इसने मुझसे शादी कर ली इस जिन ने वो नहीं चाहता कि मैं किसी और की हो जाऊं वो नहीं चाहती कि मैं किसी और का हो सर इस एक एक्सपीरियंस मैं शेयर जी बिल्कुल कीजिएगा मैं एक ब्रेक ले लूं। और अगर किसी को बहुत ज्यादा शौक है शादी करके देख ले दोनों को पता चल जाता है कौन जिन है मैं आपको जेनुअनली मतलब खुदा का वास्ता सुबह उठो पांच बजे नमाज पढ़ो तहज पढ़ो उसके बाद काम पे लग जाओ सारे जिन निकल जाएंगे सारे जिन जितना ज्यादा खाली दिमाग में बैठोगे ना उतना ज्यादा तकलीफ में रहोगे मैं ये नहीं कहता जिन्नात का वजूद नहीं है बिल्कुल वजूद है इससे कोई इनकारी नहीं है लेकिन जिन्नात की अपनी एक रेडियो सुनो तो बताऊंगा बहुत तफसील से वहां बात करता हूं ये डिमेंशन जब जाहिर होती है ना तो ये उसका खेल होता है वाला आपका नाम मेरा नाम सोनिया जी सोनिया, सोनिया क्या लाहौर से जी जी सोनिया अच्छा मैं सानिया मेरा एक क्वेश्चन है आ, हमारे घर के पीछे एक स्टोर है जहाँ से घुंगरू चलने और चीखो पकार की आवाज आती है तो अक्सर हम डर जाते हैं इसके लिए बताएं क्या करना चाहिए वो पकड़ ले नशे ही होगा जो पीछे को ना घुंगरू बांध के फिर फे, <laughs> रहा होगा मतलब ये कौन सा जिन है आप खुद सोचें कौन सा उम्र अदा है जिन मतलब उसने कोई निकाल के कोई लगाया हुआ है रात को महफिलें होती हैं उनके यहाँ कौन ये कौन लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि घुघरू चल रहे हैं और उनको बोले अगर इतने घुंगरू चलाना सामने आके चला लो यार हमारा भी दिल बहल जाएगा ब्रेक लेते हैं जी सर आपकी तरफ आता हूँ बताइए सर जी मैं जो बात कर रहा था उसी को कंटिन्यू करूँगा कि जो हमारे यहाँ ये तस्वुर पाया जाता है कि किसी शख्स के अंदर जिन आ गया है तो कुरान सुन्नत की तालीमत से जो मुझे इलम हासिल हुआ है उससे ये मालूम होता है कि जिन जो होता है वो इंसान के साथ साथ चलते हुए उसको कभी कभार कचोका लगा देता है उसको छू देता है मस करता है उसको टच करता है जिससे उसको एहसास होता है कि कोई गैर मरई चीज़ जो ना दिखाई देने वाली मेरे साथ मौजूद है तो रसूल करम सल्ला वसलम ने फरमाया कि इंसानों और जन्त की दुश्मनी तो चूँकि अज़ल से चलती आ रही है फरमाया जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो एक जिन यानी शैतान का बच्चा भी पैदा होता है जो इंसान के बच्चे को कचोका लगाता है फिर वो बच्चा रोने लग जाता है तो उसका हल यह है फरमाया कि तुम वो दुआ पड़ा करो जो हजरत मरीम आसमाम की वालदा ने पड़ी थी तो अल्लाह ने सईद मरियम को और उनके बेटे इसा को उससे बचा लिया शैतान जो बात दूसरी गॉलर में बेटी ने कही थी उर्दू में बता। जी, मैं तुझे और अपनी औलाद को शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में देती हूँ ये तर्जुमा है अगर ना आरबी में आए तो इस तरह को बताता हूँ क्योंकि देखिए आपका या मुफ्ती साहब का जो अरबी समझने का लेवल है उस तक हम सब नहीं होते हैं तमाम लोग नहीं होते बहुत अच्छा है कि आप इसको अगर उर्दू तर्जुमे के साथ बता दें ताकि सब लोगों की समझ में आ जाए एक टेलीफोन कॉल है उसके बाद बात करते हैं सलामेकम जी शायर भाई जी जी कौन बात कर रहे हैं भाई सुलेमान बात कर रहा हूँ जी सुलेमान भाई बात कीजिए शायर वाइज नाइस टू सी यू पहली बार दूसरी बात ये है कि शायर इन मैं जिन्नात पर बिलीव नहीं रखता मैं क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने उनको वो एक्सपीरियंस किया हो किसी चीज को देखा हो आज तक को ऐसा सुनने में आया नहीं है तो मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता क्योंकि साइंस बिलीव नहीं करती जो ग्लोबल है ना तो इसलिए मैं साइंस के साथ चले आपकी आपकी बात आपकी बात सर आंखों पे लेकिन सुलेमान आपको बिलीव करना चाहिए क्योंकि ये इसका जिक्र तो कुरान करीम में है सूरह जिन पूरी उतरी है हुजूर की अहदीस के अंदर मिलता है और जहाँ एक्सपीरियंस की बात करने की करते हैं तो ये मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ कि मैंने और मेरे साथ राजा ने और राजा के साथ लासी ने ये एक्सपीरियंस किया है हम सब ने मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपने घर की मिसाल दे रहा हूँ मैं मलीर कैंट कराची में रहता हूँ जहाँ मेरा घर है वहां एक रूम है जो मेरी वार्ड्रोब का रूम है जहां मैं कपड़े वगैरह चेंज करता हूं देन गो टू वर्क तो एक बार मैं और राजा खड़े थे और ये पांच महीने पहले की बात है मैं और राजा खड़े थे और हम दोनों ने एक साथ एक वक्त में राजा ही को सामने से गुजरते हुए देखा है ठीक है पहली बात पहली बात मैं आपको जेन्यनली बता रहा हूँ ये जेन्युन बात बता रहा हूं कि मैंने राजा को सामने से गुजरते हुए देखा है और बात पर आ जाइए अच्छा खैर में बहुत सारे मेरे वाक्य आते हैं बहुत सारे मेरा अटमोस्ट बिलीव है मैंने आ, मेरे पास दो मास्टर्स हैं एक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की है और एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की है एक ह्यूमन बिहेवियर की मास्टर्स है और एक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की मास्टर्स है मेरे पास बैचलर्स है केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की ये मेरे पास केमिस्ट्री जियोलॉजी एंड फिजिक्स की ये मेरे पास बैचलर्स है ठीक है और अब मैं पी कर रहा हूँ इन एस्ट्रोफिजिक्स आप यकीन जानिए मेरा जितना बिलीव खुदा पे है और जब आप इसमें जाते हैं पीएचडी के अंदर जाते हैं और मैं जिस चीज़ में कर रहा हूँ पीएचडी वो स्पेस की है सितारों की है कि आप ये सितारा यहाँ से कितना दूर है हम कैसे जा सकते हैं वाइट होल्स क्या होते हैं ब्लैक होल्स क्या होते हैं आसमान की कायनात की वसूतों के बारे का ये इल्म है आप यकीन जानिए यकीन जानिए हम खुदा उसकी रम्स को समझ नहीं पाते आपके यकीन के लिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतना जान लीजिए उसने कहा है कि वो रब्बुल आलमीन है यानी आलमों का रब है और इस सारे आलमों में उसने अपनी मखलूक़ पैदा की हैं जिनों इनको पैदा किया गया है ये कहा गया है तो इसलिए यह बात कभी आज के बाद आप अपने दिल में मत लाइएगा कि आपका यकीन नहीं है फेथ जो है ना फेथ वो यकीन के अलावा कुछ नहीं है और उसके बाद उसकी रीजनिंग आपको मिल जाती है जी मुफ्ती साहब आपकी तरफ जाता हूँ जी मुफ्ती साहब क्या कहेंगे जी बिल्कुल आपने बजाय फरमाया साहेब भाई अभी जैसे भाई ने जिक्र किया वो कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं है देखिए जरूरी नहीं है जो चीज़ हमने नहीं देखी हो वो दुनिया में मौजूद ही ना हो ऐसा नहीं है ऐसा अच्छा नहीं हमने नहीं देखा हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी हमारे इम में नहीं है लेकिन उस चीज का वजूद होता है कुरान मजिद फुर्क़ान हमीद के अंदर जा बजा अल्लाह रबुजत ने जिक्र फरमाया पूरी नाजिल हुई सूर फलक सुर नास अल्लाह रबुल्जत ने उनके शर से बचने का हुक्म और दुआएं जो हैं वो फुर्क़ान हमिद में वारद फरमायीन जादू तो ना की एक अपनी दुनिया है जी आ, जी आ, इसी तरह आप तारीख के हवाले से देखें तो मुसलमानों काबला अव्वल बैतुलमुद्दस जो है उसकी तमीर उसकी तमीर हज़रत सुलेमान अली मसलातसिम के दौर में जन्नात के ज़रिए से करवाई गई थी और यह भी इस बात की दलील है कि अल्लाह इज़्ज़त ने इंसानों को जन्नत से ज़्यादा ताकत अता फ़रमाई है कि इंसानों ने जन्त के ऊपर हुकूमत की हैज़रत सलेमानसलाम ने जन्नात के ऊपर हुकूमत की लेकिन आपको तारीख़ में यह बात नहीं मिलेगी कि जन्नात ने इंसानों के ऊपर हुकूमत की हो तो ये वजह है कि इंसान की ताकत ववत जन्त से ज़्यादा है लेकिन अगर वो अपने आप को डिप्रेशन में ले जाए अपने आप को गोया के कमज़ोर समझने लग जाए और जिन्नात को खुद से अपने ऊपर हावी कर ले तो फिर इसका इलाज यही है कि अच्छा उसको मैं हिम मैं उसके अंदर हिम्मत पैदा करवाई जाएगी मैं आप तीनों से एक सवाल करूंगा तीनों से एक सवाल करूंगा उसका जवाब चाहता हूं लेकिन कॉल के बाद सवाल मैं पहले कर रहा हूं कि क्या जो लोग कहते हैं जी मुझ पे जन आ गया मुझ पे जन आ गया क्या ये सही होता है या ये कोई एक महज एक एक एक

तो क्या इसकी वजूहत यही है कि मेरे घर में कोई दिन मौजूद है अच्छा आपकी उम्र क्या है मेरी उम्र 26. 26. और आप, आपकी फैमिली में आपकी शादी हो गई नहीं मेरी शादी नहीं हुई आपकी शादी नहीं हुई है और आपके आपके फैमिली में लोग कितने हैं मेरा एक भाई है और एक बहन है एक भाई और उनकी शादियां हो गई नहीं अच्छा और आपके पेरेंट्स <coughs> मेरे पेरेंट्स मौजूद हैं नहीं वो हैं आपके साथ आपके साथ ही होते हैं हाँ जी और right, और आपकी रिलेशन और आप कुछ खुद का, काम करती हैं कोई या नहीं करती नहीं मैं ऐसा कोई काम नहीं करती ऐसा कोई का, आ, काम अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं जी। पहले मैं इन तीनों से पूछ लेता हूं फिर उसके बाद देखिए एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी आ, सबा मैंने आपसे कहा था कि हम ना ये हमारे सहारे होते हैं आज आप मेरी मान के ना समझ के भाई ने कहा मेरी मान के आप आज ये सोच के सोइएगा कि आज कोई नहीं हिलाएगा आपके बेड को मैं आपको लिख के दे रहा हूं नहीं हिलेगा आपका बेड कोई ड्राउनी आवाज नहीं आएगी और सबा इससे पहले कि आप जिंदगी गुजरने का इंतजार करें जिंदगी गुजारना शुरू कर दें अभी आपको इंतजार है कि जिंदगी गुजरे गलत अप्रोच है आपने जिंदगी गुजारनी है आपने जिंदगी से सवाल करना है अगर आपके पास इस किस्म का कोई एंड्रॉयड फोन है तो आप अपना काम शुरू कर सकती हैं फोन अगर आपके पास है तो आप काम शुरू कर सकती हैं आप अपने आप को बिजी रख सकती हैं सेंस ऑफ आपको मिल सकता है मैं जब वापस आता हूं तो फिर आपसे ये सवाल करूंगा एक ब्रेक है जी अच्छा मैंने इससे बड़ी स्टोरी नहीं सुनी लेकिन मैं आपको इधर जल्दी से फ्रेम बनाओ इनका जल्दी से फ्रेम बनाओ आके जल्दी से फ्रेम बनाओ मैं ये दिखाना चाहता हूं बनाना चाहता हूं ये हमारे कैमरामैन हैं जी सलामकुम पहले तो आप अपना नाम बताइए और उसके बाद बताएं हुआ क्या जी मेरा नाम अब्दुल रजाक है हाँ। तो मेरी वाला जो है ना वो बीमार हुई थी तो उस वक्त उसकी चार बेटियां थी यानी मेरी चार बहनें पैदा हो चुकी थी ठीक है तो उसको ना किसी बाबा के पास ले गए कुछ जो तवीज तागा कर आपकी वालदा बहुत जवान लगती थी जी जवान लगती थी ठीक है तो उस बाबा ने देखा उस, उसको पूछा कि इसको क्या बीमारी है तो उसने उसका हालत देखी कि जवान लड़की है उसने कहा जी जो आपको चाहता है ना जैसे जो आपके साथ शादी करना चाहता है उसने आपके ऊपर जादू करवाया कि ये लड़की आ, मेरे साथ शादी कर ले तो बाद में मेरी नानी मेरा नाना साथ मामू बड़े साथ थे उसने नहीं कहा कि बाबा जी इसकी तो चार बेटियां अभी तो उसने ना कोई बात चेंज कर ली नहीं 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 वो ऐसा हो गया वैसा हो गया मतलब उसने ना बात चेंज कर ली तो उसके पास था कुछ नहीं

और आप एक नई आइडेंटिटी में अपने आप को डाल लेते हैं और आप ये समझते हैं कि आपकी अपनी ज़ात जो है वो किसी की पोजेशन में चली गई है और ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है बकायदा तौर कायदा तौर पे जिसका इलाज होता है यानी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए उसकी थेरेपीज़ होनी चाहिए ये नहीं कि ये जो आप जाके आ, मैं ये नहीं कहती इल्म होता है लेकिन इल्म वालों के पास इल्म होता है हमारे आजकल बहुत ज़्यादा फेक है ये झाड़पूं शुरू कर देते हैं जैसे अभी इन्होंने कैमरा ने आपके एक एक्सपीरियंस शेयर किया वो बाहिर तौर पे आपको यूज़ कर रहे होते हैं अपने पर्पसेस के लिए लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है एक डिसऑर्डर है जिसमें कि उनकी सिचुएशन को समझना चाहिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे पास एक खातून आई असल प्रॉब्लम यह है कि दुरुस्त तश्खीस नहीं जब हो पाती तो तब ये चीज़ें आती हैं मेरा चूंकि आई प्रैक्टिस एज ए डिसबिलिटीज़ री है मैं स्पेशल नीड्स तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो डिसबिलिटीज़ के साथ लोग हैं वो आते हैं उनके पेरेंट्स उनको समझ नहीं आती कि बच्चे के साथ क्या माजूरी होगी और हमारे खासतौर पर देहाती इलाकों में रिमोट एरियाज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा परसेप्शन है कि हमारे बच्चे को जो माजूरी आ गई है ना कोई भी किसी किस्म की इसके ऊपर कोई जादू टोना है अच्छा वो दम कराने के चक्कर में बच्चे का जो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें इलाज की ज़रूरत होती है वो वाला टाइम पीरियड तो गुज़र गया और वो दम दरुद करवाने के चक्कर में बच्चे की डिसबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है और वह कह देंगे जिन इसके ऊपर और और ज्यादा आता जा रहा है जो कि नहीं है आपका जो सवाल था कि उसमें ये महसूस होता है कि आ, मेरे साथ मेरे पे जिन आ गया और मैंने ये काम करवा रहा है मुझसे ये करवा रहा है एक पेशेंट मेरे पास खातून आई और उन्होंने बताया जी कि मैं बैठी भी होती हूँ यहां से मेरे ऊपर चीज़ें चढ़नी शुरू होती हैं नीचे से और ऊपर तक जाती हैं और फिर यही प्रोसेस दोबारा होता है और वो आता तब है जब मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं होते Uh, मैंने उसको थोड़ा समझाने की कोशिश की क्योंकि जाहिर है हमने कागनेटिव थेरेपी करनी होती है तो मैंने जब उसको समझाने की कोशिश की तो उसने मुझसे इस चीज़ पे आर्गूमेंट किया कि आप क्या इसको आपको मानती नहीं है कि जिन होते हैं इसीलिए नहीं होते वो हाँ, तो आ जाता है मैंने कहा ये अच्छी तो बात तो है मैंने कहा अपने <laughs> हस्बैंड के पास ही रहा करें लेकिन uh, जब मैंने कहा उन्होंने कहा कि आप आप इस बात को मानती नहीं कि जिन होते नहीं हैं जिन होते हैं ना तो जवाब ये जैसे हम सब भी यहाँ पर एग्री करते हैं कि जिन होते हैं इंसान होते हैं लेकिन एक चीज़ का ईमान रखिए कि ये दोनों मखलूक अल्लाह तला की बनाई हुई हैं मतलब ये कोई अलग से चीज़ तो नहीं है ना इसके पास इतनी पावर्स नहीं है ये जिन भी अल्लाह ताला के कंट्रोल में है तो अगर आपका ऐमान तो मजबूत तो है कह दिया गया। आप, है। आप आपके पास जो ताकत है वो ईमान की ताकत है और अगर आप उस ईमान की ताकत को महसूस करें तो आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें अल्लाह ताला जिन्हों को कंट्रोल कर सकता है और अल्लाह ताला ने आपको उसका इलाज बताया है हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्त से कि आपने चार कुल पढ़ने हैं आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने परदम कीजिए क्योंकि ये हमारी और हम खुद भी, भी कर सकते हैं। हमारी स्पिरिचुअल नीड है ना बिल्कुल ठीक इसमें मज़ा हमारी दो चीज़ें हैं एक हमारा जिसम है एक हमारी रूह है एक हमारे जिसम की नीड्स हैं जिसे आप कहते हैं रूह की गज़ा तो जो स्परिचुअलिटी है ये बहुत ज़रूरी है और आप स्परिचुअलिटी की गजा अपने अपने मज़हब के मुताबिक जो आपका ऐमान है वो आप जरूर हासिल कीजिए सर सर मेरी नज़र में रूहानियत और नफ्सियात दोनों को मुसलमानों ने ही एक जगह पे इकट्ठा करके इसका इलाज रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत की रोशनी में पूरी दुनिया के मज़ाहिब को दिया जब कोई शख्स पहले दौर में भी ये कहता ना मुझ पर जन्ात का असर हो रहा है तो उस ज़माने में भी हड्डियों पर खुदाई और बड़े अजीबो वरीब किस्म के तशद किए जाते थे और आमिल जाली जो आज भी अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं और लोगों को उस ज़माने में भी लूटते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तालीमात के साथ साथ नफ्सिया तौर पे भी अपने आप को इन ख्यालात से जिस तरह के वो बच्ची एक कॉलर कह रही थी कि मुझे आवाज़ी आती है हमारे घर में घुघरू बैठते हैं या कोई इसको स्किजोफ्रेनिया कहते हैं शिजुफ्रीनिया की बीमारी उसमें डिल्यूजनज होते हैं मुख्तु किस्म के ख़्याल आते हैं रसूल मुकरम सल्ला व्लम ने इसका इलाज ये बताया कि जब तुम में से किसी को ऐसा ख्याल आए जागते हुए आए नींद में आए हती कि नमाज़ में आए तीन मुख्तफ अदीसें हैं फरमाया उस ख्याल को झटके झटकने के लिए अपने मुंह में जो लबलबा है उसको ज़मीन पर डाल दे यानी उसकी तवज्जो जाएगी कि मैं थूकने लगाऊँ लबलबा ज़मीन पर डालने लगाऊँ तो उस ख्याल से तवज्जो हट जाएगी तो हाल यही है कि जाली आमलों और बाबों के पास जाकर लुटने से बेहतर यह है कि अपने आप को रसूल्लासम के बताए हुए ये तरीका जो नफसियाती भी है कि जिसिए से, से आप अपने ख्याल को झटक सकते हैं वो झटक कर तो आप उससे जी मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं जी साहर भाई मैं इसमें यह अर्ज़ करूँगा कि देखें इंसान को अल्लाह इज़्ज़त ने शफफ़ल मखलूक बनाने के साथ साथ अक्ल सलीम भी अता फरमाई है है अपने अच्छे और बुरे और अपने नफ़ा और नुकसान को वो अच्छे तरीके से जज कर सकता है सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई बंदा मिसाल के तौर तो पर बीमार होता है बुखार हो गया उसको अब वो ठंडा पानी भी पी रहा है और बुखार की शिकायत भी कर रहा है अकलमंदी का तकाजा ये है कि पहले वो ठंडे पानी से बचे, बुखार के जो इस्बाब हैं जिनके जरिए से बुखार होता है उन तमाम चीज़ों से बचे, फिर उसका इलाज करें दवाई लें इन शाह तफा आदा फरमाएगा इसी तरीके से जन्ात के मामलों और दिगे रूहानी मसाइल जितने भी हैं उनके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम बुरे कामों को छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ आए नमाज रोज़े की पाबंदी करें पाकि नापाकि का ख़ास तौर पर ख्याल रखें

पुराने शहर अंदरून शहर में रहते थे ठीक है तो घर जो उनसा ना वो बहुत ज़्यादा पुराना था ठीक है तो उस घर में थे छोटे छोटे जिन्नात के थे ऊपर वाले पोर्शन में कभी आपने देखे मैंने कोई नहीं देखे ठीक है ठीक है क्योंकि वही बताती होती थी वही करती थी उसके बाद जब एक एक्सपीरियंस था मेरा कि जी जब शादी हुई शादी के बाद आए तो वो रात को कहती थी कि मेरे कानों में कोई ढोल बजाता है अनफॉर्चुनेटली मैं ना उसकी जगह पे सोया उस दिन और वो इधर साइड बाई साइड हो गए तो जान वाकई रियली उसमें था फिर हम एक आमिल के पास गए okay. तो वो आमिल साहब जो उनसे थे ना वो नायाब थे हुँ. जी साउथ अफ्रीका के जंगलात से हम लेके आए हैं जी मैं करके आया हूँ चिल्ला काट के आया हूँ तो वो जनाब काला इलम और रूहानी इलम दोनों को मिला के करता था और वो बड़ा ही डेंजरस था oh. और जब मैं उसके जो घर था या पे जाता था तो मेरे सांस रुकती थी जब मैं बाहर आता था तो वो ठीक हो जाता है तो ऐसी चीजें भी पाई जाती है मगर है बरहक है ये चीजें हैं मगर वो तंग नहीं करते या वो चमड़ते नहीं या उठा के नहीं ले जाते हाँ ये है कि जी कोई चीज़ उन्होंने करवानी हो तो जैसे हमें ख्वाब आ जाते हैं या ऐसी चीज आ जाती है तो ऐसी चीजें हमें महसूस होती हैं कि ये चीज़ कर लो अच्छा वेरी क्विकली वेरी क्विकली क्या जिन्ना बदलते हैं जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जिन्नात भेस, 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 भेस बदल सकते हैं और बिल्कुल बदलते हैं कि एक जिन इंसानी शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और वजरत सलाम के ज़माने का था उसने कालिमा पढ़ के जो है वो मुसलमान भी हुआ हुँ. और हजूर सलाम से सहाबा की मौजूदगी में उसने इंसानी शक्ल में मुलाकात की जब वो गया तो हजूर ने बताया कि यह जिन था अच्छा मैं ये बता एक बात अच्छा नहीं नहीं एक सवाल आज थोड़े से कर लूँ जी आपसे बात करता हूँ डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो कहते हैं कि जी नौकरी नहीं मिल रही है किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है क्या रिस्क की तंगी कोई इंसान कर सकता है जबकि हर चीज तो खुदा के अख्तियार में है ये हम ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं छोटा सा ब्रेक

सर कमाल है सर थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा जी बार बार है। आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं इंस्टा पे भी जा सकते हैं ट्विटर पे भी जा सकते हैं यूट्यूब पे भी जा सकते हैं और ये सारी रेसिपीज़ जो हैं वो आप ले सकते हैं मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है बीस बीस सेकेंड हैं मैं मुफ्ती साहब के पास पहले जाऊँगा मुफ्ती साहब ये शो अभी ख़त्म नहीं हुआ है हम अगले वीक इसका दूसरा हिस्सा जो है वो करेंगे और उसके अंदर भी आपको दावत दूंगा बस कुछ जाने से पहले 20 सेकंड के अंदर जो आप कहना चाहें वो कह दें फिर हम अगले हफ्ते से यहीं से शुरू करेंगे जहां से हम आज खत्म कर रहे हैं प्लीज़ सर जी बिल्कुल मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें जन्नात के हवाले से चूँकि प्रोग्राम था तो जन््त के ऊपर ईमान और यकीन रखना बे इंतजाज़ ज़रूरी है हमारे लिए जज़्व ईमान है क्योंकि कुरान में जिक्र अगर इसका इनकार करते हैं तो कुरान का इनकार होता है तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम के लिए हमें अपने लिए हिफ मातम के तौर पर कुछ चीज़ें इख्तियार करके रखना ज़रूरी हैं उसके लिए अपने आप को इस्ट्रॉन्ग करें सबसे पहले डर और खूब मामूली मालिक चीज़ों के ऊपर नहीं डरना चाहिए हल्की सी आहट कहीं हो जाए उन डर जाए चीजों से बचना है हमें स्टॉन्ग करना है अपना है। और बावजू रहें पाक साफ रहें आज जुमातुल मुबारक है मुबारक के दिन की मुनासबत से बावजू रहते हुए कोशिश करें कि जब कभी भी नापाकी वाले मामला हों फौरन अपने कपड़े बदन जिसम ये सब चीजें साफ कर लें अल्लाह रबत शैतानी मामला से इंसान को महफूज फ़रमाएगा थैंक यू सर नेक्स्ट वीक इनशाला आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी सर सर ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है मैं एग्री करता हूँ शैतानी जो जिन्नात हैं उनसे बचाव के लिए रसूल मक्रम सल्ला वसम ख़ुद अमल एक फरमाते थे और हजरत ऐशा सदीक रिवायत करती हैं बुखारी में भी और नसाई में भी ये हदीस है कि हजूर रात को जब बिस्तर पर सोने लगते ये जितने कॉलर्स ने कॉल की थी उन सब का इसी में इलाज आ जाएगा तो बिस्तर पे जब आराम के लिए तशरीफ़ ले जाते तो आखिरी तीनों सूरतें कुल कुल्वल्ला अहद कुल आउजब्बिन फलक और कुल आउज बिर नास तीनों को तिलावत करते दोनों हाथों पर फूंक मार के सर की तरफ से शुरू करके जिसम पर फेर के आराम फरमा हो जाते बहुत शुक्रिया जी मैम ट्वेंटी मेरा ये मशवरा है कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसा जहनी अर्ज़ा होता है तो आप ज़रूर दुरुस्त तश्ीस की तरफ़ जाएँ एक दफ़ा ज़रूर आप चेक करवाएँ पहले डॉक्टर को चेक करवाएँ उसके बाद साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाएँ क्योंकि ये मसाइल हैं अगर आपको महसूस होता है जैसे मैंने पहले भी कहा कि दुरुस्त तश्ीस ना होने की वजह से इंसान का ध्यान और तवज्जो इन चीज़ों की तरफ जाता है और वहम और वसव से ज़ाहिर इंसानी नफसियात का हिस्सा हैं तो आप इस चीज़ से आप जरूर जाएं अपने माहिर नफसियात से ज़रूर राबता करें आ, कोशिश करें कि इस चीज़ पर हेल्प लें अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें इससे बाहर हैं तो फिर आपने अपनी रूह का तो ख्याल रखना ही है स्परिचुअलिटी नफसियात आपकी बायोलॉजिकल आपका सोशल ये तमाम चार चीज़ें जो हैं ये हमारी जहनी सेहत को जिसमानी सेहत को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है। और शुक्रिया मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है जी है और जीने दें इसके अलावा कुछ नहीं अगले हफ्ते मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफिस